हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कवरिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैंसर। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन कैंसर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या है, एक टाइप की ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें क्या है, जो हमारे नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसमें हमारे नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है हमारे एबनॉर्मल सेल्स की। और ये सेल्स कैसे होते हैं, ये एक जगह डिवाइड होके नहीं रहते हैं, ये फर्दर इन्वेड करते रहते हैं हमारे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए अलग 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 पार्ट्स में जाके ये अलग अलग टाइप के कैंसर्स ट्यूमर्स डेवलप करते हैं। एक सिंपल सा हम बात करें तो ये क्या है, नियोप्लाज्मा ट्यूमर क्या है, इट इज अ एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का एक जब एबनॉर्मल मास हो जाएगा, क्या नाम है, बन जाता है इधर फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डिवीजन और फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं ट्यूमर या न्योप्लाज्म। अब ये फर्दर ट्यूमर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हमारा हो गया बीनिंग ट्यूमर। ये क्या होता है, ये एक नॉन कैंसरस सेलुलर ग्रोथ होती है, एक होगा सेलुलर मास ही, लेकिन क्या है, ये नियर बाय टिश्यूज में इन्वेड नहीं करता और स्प्रेड नहीं होता अदर पार्ट्स में। वही मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसरस है, अनडिफाइंड और अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये नियर बाय टिश्यूज में इन्वेड करना शुरू कर देता है, स्पेशली थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटिंग ब्लड, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में। फिर आगे बात करते हैं हम, मैनी कैंसर एंड नॉर्मल सेल्स दैट कंपोज कैंसर टिश्यूज आर फर्दर आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ द टिश्यू। मतलब जो जो जिस जिस पार्ट या जिस जिस टिश्यू में जाके इन्वेजन होता रहेगा, उस पार्ट के नाम पे हम उस चीज़ को डिफाइन आउट कर देते हैं। जैसे अगर लंग्स में जाके इन्वेजन हुआ तो हमने लंग कैंसर नाम दे दिया, कोलोन में हुआ कोलोन रेक्टर दे दिया, ब्रेस्ट में हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर। अब वट आर द हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, कैसे हम एक पर्टिकुलर आइडिया लगा सकते हैं ये कि इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। सबसे पहले तो हम सेलुलर ग्रोथ और डिवीजन एब्सेंट इन प्रॉपर सिग्नल्स, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ रहेगी, डिवीजन इवन कंट्रेरी सिग्नल्स। हमारी बॉडी में क्या है, एक कंट्रोल रहता है सेल्स के डिवीजन और प्रोलिफरेशन में, वो ग्रोथ और उसको कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैंसर के केस में कंटिन्यूस ग्रोथ रहती है, इवन क्या है, हम स्टॉपिंग सिग्नल से भी वो डिवीजन स्टॉप नहीं होता है, फिर यहाँ एपोप्टोसिस बंद हो जाती है, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स, प्रोग्राम सेल डेथ जो है, फिर लिमिटलेस नंबर ऑफ सेल डिवीजन, अनलिमिटेड सेल डिवीजन, रैपिड प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल, प्रमोटिंग ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, इन्वेजन ऑफ टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेसिस, यानी कि इन्वेजन इन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मेटास्टेसिस क्या है, तो मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंसर टू अदर लोकेशन इन द बॉडी। ठीक है, द डिस्पर्स ट्यूमर आर कॉल्ड मेटास्टेटिक ट्यूमर व्हाइल द ओरिजिनल इज कॉल्ड प्राइमरी ट्यूमर। जहां से ओरिजिनल हो रहा है, ओरिजिन हुआ हमारे, जहां से ओरिजिन हो रहा है बॉडी के किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसे हम प्राइमरी ट्यूमर नाम देते हैं, और जो अदर उसमें स्प्रेड होना शुरू हो गया उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। ये फेजेस के थ्रू जाके डेवलप होता है, जैसे कि पोलिफरेशन हुआ, फिर इन्वेजन, इन्वेजन के बाद क्या है, ये माइग्रेट होना शुरू हुआ कहाँ किसके थ्रू। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं कैंसर का, तो वो हम करते हैं कौन से बॉडी पार्ट या कौन से सेल या टिश्यूज को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा क्या है, कार्सिनोमा कैंसर डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल, जितनी भी हमारी लाइनिंग्स हैं, कवरिंग्स हैं, वहां पे जब कैंसर डेवलप हो रहा है तो उस चीज को हम नाम देते हैं कार्सिनोमा।
लाइक इंक्लूडिंग नियर बाय ऑल द टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स, पेनक्रियाज एंड कोलॉन. सार्कोमा, सार्कोमा क्या है? कैंसर अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू. जितने भी हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, नर्व्स, जो आपस में क्या सिस्टम्स को कनेक्ट करके रख रहे हैं थ्रू वेरियस काइंड ऑफ सेल्स, उसमें जब हो रहा है तो हम उसे नाम दे रहे हैं सार्कोमा. नेक्स्ट हमारा आ गया ब्लास्टोमा, जो मोस्टली चिल्ड्रंस में देखा जाता है. तो इसमें इसे हम नाम देते हैं कैंसर डिराइव फ्रॉम इमेच्योर प्रीकर्सर सेल्स और एम्ब्रियोटिक टिश्यू. नेक्स्ट आता है हमारे लिम्फोमा और ल्यूक्यूमिया. लिम्फोमा यानी लिम्फेटिक टिश्यू, ल्यूक्यूमिया यानी ब्लड. ये दो हमारे हेमेटोपोएटिक ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं, जहाँ पे क्या है लिम्फ नोड्स और उसमें इन्वेजन जब शुरू हो जाते हैं तब उसे हम नाम देते हैं लिम्फोमा एंड ल्यूक्यूमिया. फिर नेक्स्ट हमारे आ गए जर्म सेल्स. कैंसर डिराइव फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल्स, मोस्टली प्रेजेंट इन आर जर्म सेल्स है टेस्टिकल्स, ओवरी, उसे हम नाम देते हैं जर्म सेल ट्यूमर. हिपेटोसार्कोमा कैंसर ऑफ लिवर. हिपेटोब्लास्टोमा ब्लाइंड मेलिग्नेंसी अराइजिंग फ्रॉम प्रिमिटिव लिवर सेल्स. ठीक है, ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन में आते हैं. फिर आज आपका आता है लिपोसार्कोमा कैंसर अराइजिंग फ्रॉम फैट सेल्स. बिनिंग ट्यूमर जो मैंने बताया नॉन कैंसरस होता है, लेकिन ये क्या है, ये फर्दर इन्वेड नहीं करता नियर बाई टिश्यूज या सेल्स या पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है स्मूथ मसल इज कॉल्ड लियोमायोमा, द कॉमन नेम फॉर फ्रीक्वेंटली अकरिंग बेगिंग ट्यूमर इन यूट्रस इज फाइब्रॉइड. सम टाइप ऑफ कैंसर आर नेम्ड आफ्टर द साइज एंड शेप, लाइक जॉइंट सेल सार्किनोमा, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा. फर्दर अगर हम बात करें तो टिश्यू ऑफ ओरिजन के नाम पे भी हमने इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे फाइब्रस है तो फाइब्रो का सार्कोमा, कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रोसार्कोमा, बोन है तो ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, ब्लड सेल्स है तो ल्यूकीमिया, टिश्यूज है लिम्फ टिश्यू जैसे मल्टीपल माइलोमा, हॉडगिंग्स डिजीज. अब व्हाट आर द मेजर कॉजेस, इटियोलॉजी क्या है इसकी? सबसे पहला आपका आता है वायरस, वायरस के थ्रू मोस्टली. फिर जेनेटिक म्यूटेशंस के थ्रू. वायरस में आपका आ गया मान ली लिम्फोमा एंड लाइक्यूमिया कॉज्ड बाय ह्यूमन टी ल्यूक्यूमिया लाइम्फोमा वायरस, HTLV-1. फिर जीन्स और क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटीज, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल इज रेगुलेटेड बाय जीन्स, इन केस ऑफ म्यूटेशन दे आर बी मेल फंक्शन, लाइक प्रोटो ऑनको जीन्स जो नॉर्मल सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं उसमें अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होने लगती है. फिर डीएनए रिपेयर जीन्स में जीन के इनएक्टिवेशन हो जाएगा. ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में जीन इनएक्टिवेशन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन. फिर कुछ टाइप के हेरिडिटरी फैक्टर्स हो गए, लाइक डिफरेंस इन सेल मेटाबॉलिज्म, इनएक्टिवेशन, एलिमिनेशन ऑफ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, फिर फेल्यूर ऑफ इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म, लाइक किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कोई ट्रिगर हुआ तो जिसने क्या है बॉडी के अंदर म्यूटेशन कर दिया, म्यूटेशन की वजह से क्या है नॉर्मल सेल प्रोटीन्स बनना शुरू हो गई. इम्यून सिस्टम्स क्या है इन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करता नहीं है, फिर क्या है नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है विच अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर. अदर कॉजेज हो गए लाइक ओबिसिटी, इसमें मोस्ट कॉमन हमारे ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर. ओबिसिटी इज मेजर रिस्क फैक्टर. आयनाइजिंग रेडिएशन विच कॉजेज म्यूटेशन इन एंड पेशेंट एक्सपोज फॉर डायग्नोसिस ऑफ सम काइंड ऑफ रिसर्च और अदर काइंड ऑफ वर्क्स. फिर कार्सिनोजेंस एंड प्रोमोटर्स, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो प्रोमोट कर देते हैं बॉडी में, एक्टिवेट कर देते हैं. कुछ टाइप के अदर एजेंट्स हो गए लाइक मेटल्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, केमिकल्स, बायोफिनाइल्स हैं कुछ ऐसे जो इंड्यूस करते हैं कैंसर को. रिस्क फैक्टर्स में आपके वही सारे आ गए जैसे केमिकल्स में मैंने आपको बताया एस्बेस्टॉस, स्मोकिंग, बेंजीडीन, टोबैको. आयनाइजिंग रेडिएशन में यूरेनियम, रेडॉन, यूवी रेस. पैथोजेंस में आपका आ गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, केपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड विद हर्पीज वायरस. जेनेटिक्स में आपके म्यूटेशन इन द जीन्स पर्टिकुलरली ऑफ द वेरियस पार्ट्स लाइक ब्रेस्ट, ओवेरियन, प्रोस्टेट, मेलेनोमा. फिर अदर एजेंट्स
इन्फेक्शियस एजेंट्स, हॉर्मोन्स, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ओबेसिटी, फिर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, ये सारे आपके आ गए रिस्क फैक्टर्स। साइंग एंड सिम्टम्स, साइंग एंड सिम्टम्स सबसे पहले आएगा चेंज इन वॉल ऑफ ब्लैडर हैबिट्स, सोर थ्रोट, फिर लोकलाइज मैनिफेस्टेशन। इनिशियल स्टेज में क्या है, जो मेलेगनेंसी है वो होती है हमारी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी साइट्स। यहाँ पे मतलब प्राइमरी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहती रहेगी। लंग्स में हुआ तो रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हमारी, कहीं और किसी पार्ट में हो रहा है तो उस पार्ट का फंक्शनिंग हिंडर करेगी। फिर सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। फिर अनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, परसिस्टेंट फेटीग, नॉजिया, वॉमिटिंग, रियकरिंग इन्फेक्शंस, एनोरॉक्सिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे हमारे साइंग एंड सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। व्हाट इज द एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर? सो कैंसर हमने जब तक पढ़ा मोस्टली क्या है, म्यूटेशन इन द जीन्स की वजह से हो रहा है। तो ये होता कैसे है? अब जीन्स आर अरेंज्ड इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ टाइटली पैक्ड डीएनए कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जब इन क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होना शुरू हो गई, तब इन्होंने एबनॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। नॉर्मल जो हमारी सेल साइकिल रहती है वो शुरुआत होती है हमारी जी नॉट फेज से, फिर G1, S, G2 और M। ये नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी रेगुलेटेड रहती है ईच एंड एवरी स्टेप पे। जी नॉट हमारी सबसे पहले हो गई रेस्टिंग फेज, G2 हमारी हो गई, सॉरी G1 हो गई हमारी अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस फेज, एस फेज में सिंथेसिस डीएनए का, G2 में अदर काइंड ऑफ सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस, माइटोसिस होती है एम फेज में जाके। अब यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन जब हो जाएगा तो म्यूटेशन की वजह से क्या है, लॉस ऑफ सेल साइकिल एंड डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएशन होगा। फिर क्या है, जो सेल टू सेल एडिशन और इंट्रैक्शन है वो भी हमारा म्यूटेशन की वजह से डिसअपियर हो जाएगा। अब क्या है, दीज चेंजेस कॉज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल द टिश्यूज, जैसा कि हमने देखा है मसल एट्रॉफी अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ एक्सरसाइज, फिर हाइपरट्रॉफी। फिर क्या है, म्यूटेशन क्या है, इनएक्टिवेट कर देगा डीएनए के रिपेयर को, जहाँ पे जो ब्रेकेज हो रहा है हमारे डीएनए के स्ट्रेंथ के अंदर। म्यूटेशन की वजह से क्या है, एक ऑन्कोजीन प्रोड्यूस हुआ। म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेवरल मोल्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जिसकी वजह से यह इजिली और जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट होना शुरू कर देते हैं हमारी पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब ये तीन तरीके से रहता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन पहला हमारा वही जीनोटॉक्सिक हो गया, जिसमें हमारे जीन्स इन्वॉल्व, जैसे डीएनए एड्रेस, क्रोमोसोम ब्रेकेज, डिलीशन, फ्यूजन। नॉन जीनोटॉक्सिक में इन्फ्लामेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, रिसेप्टर एक्टिवेशन, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हाइपर म्यूटेबिलिटी, हाइपर म्यूटेशन, जीन इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ प्रोलिफरेशन कंट्रोल, सेल पे कोई ग्रोथ, सेल डिवीजन और उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ जो है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। अब बात करते हैं हाउ डू वी डायग्नोस द कैंसर। तो डायग्नोसिस की भी अलग अलग टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहला आपका आ गया बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं हम, एक टिश्यू स्पेसिमेन लेते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू देखते हैं टिश्यू बायोप्सी में। फिर हमारा स्क्रीनिंग में आता है, स्क्रीनिंग में हम अदर पार्ट्स को स्क्रीन आउट करते हैं, जैसे माउथ, स्किन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एरिया, कोलोनोस्कोपी के थ्रू। फिर ब्लड टेस्ट फॉर ट्यूमर मार्कर्स, लेबोरेटरी मेथड्स में आपका स्मियर टेस्ट आ गया, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री आ गई, माइक्रो एसे टेक्नोलॉजी, ये कुछ स्पेसिफिक लेबोरेटरिकल टेस्ट हैं हमारे। फिर एक्सरेज और सीटी स्कैन, एंडोस्कोपीज, ये सारे हमारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मोस्टली सबसे पहले जो प्रिफर करते हैं वो होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ थेरेपी, सिस्टमिक ट्रीटमेंट फॉर कैंसर यूजिंग ड्रग्स विच आर यूज टू
रीच द ट्यूमर साइट, जहाँ पे वो स्प्रेड होना शुरू हुआ है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग्स यूज करते हैं लाइक एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी नियोब्लास्टिक ड्रग्स। फिर हम नेक्स्ट यूज करते हैं रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या है, हम कुछ टाइप की रेडिएशन को यूज करते हैं जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज, टू एब्जॉर्ब इन टिश्यूज एंड कॉज सेलुलर डैमेज बाय एमिटिंग द एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो ट्यूमर ग्रोथ को डिस्ट्रक्ट कर दे पूरी तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हार्मोनल थेरेपी। कुछ टाइप की ह्यूमर्स इंड्यूस करते हैं जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर एडमिनिस्टर्ड। फिर हमारा बायोथेरेपी में आ गए कुछ टाइप की एंटीबॉडीज, साइटोकाइंस विच कैन बूस्ट अप आर इम्यून सिस्टम। ये सारी ये सारी हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज रहती हैं। लास्ट में हम यूज करते हैं सर्जरी। द चॉइस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड टिश्यू इन्वॉल्व, मतलब कौन से टाइप का कैंसर है, कितनी जगह वहाँ पे सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं है, या इजीली रिकवरेबल हो सकती है कि नहीं। ये सारे हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं। थैंक यू।